हेलो गाइस, वेलकम टू बाय माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अंशुल। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह का होली स्पेशल टी शर्ट नेम फोटो एडिट करना चाहते हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का फोटो कैसे जनरेट कर सकते हो। चलिए फिर जाया करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होली टी शर्ट नेम फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है प्रॉम्प्टनिस। सर्च करने के बाद में आपको सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगी प्रॉम्प्टनिस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको गेट योर प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। गेट योर प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर होली वाली इमेज दिखेगी, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की इमेज दिखेंगी। अगर आपको जिस तरीके की इमेज जनरेट करानी है उसके नीचे आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, उस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको बैक आ जाना है। उसके बाद में आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है ब्रिंग इमेज क्रिएटर। बिंग इमेज क्रिएटर सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगी इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। अगर आपको लॉगिन करना नहीं था तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, उसे देख के आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको जिस प्रॉम्प्ट को आपने भी कॉपी किया था यहाँ पर आपको उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद में आपको ऊपर जहाँ नेम दिख रहा है नेम, उसको कर करके आपको अपना नेम लिख लेना है, जहाँ अजय नेम लिखा है। नेम लिखने के बाद में आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद में आपकी इमेज आ जाएगी। इमेज आने के बाद में आपको जो इमेज पसंद है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी।